सीहोर जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने और कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अजय गुप्ता ने दिए हैं। मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को अब अस्थायी जेल में बंद रखा जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान को अस्थायी जेल बनाया गया है। ईएमएस टीवी पर खास बातचीत करते हुए कलेक्टर अजय गुप्ता ने ये जानकारी दी। देखिए, जो शासन से निर्देश प्राप्त होंगे उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना, इसके साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि जो जागरूकता का अभियान है और लोगों को जो जागरूक करना है उस पर भी फोकस रहेगा। जागरूकता के अभियान के साथ साथ जो आवश्यक व्यवस्थाएं बनानी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो चाहे हमें जिला अस्पताल में या अन्य किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था करना, तो इन सब के ऊपर एक रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम जारी हुए। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।